श्रद्धेय मार्कंडेय ऋषि की जय। हम आइए सोनभद्र के उन खतरनाक स्थानों की बात करते हैं। जैसे देखें आपकी जब आप झारखंड मध्य प्रदेश से आएंगे, 54 से आगे बढ़ेंगे तो मारकुंडी पहाड़ी पड़ती है। हम पुराने रास्ते को दिखा रहे हैं आपको। अभी पहला मोड़ था सबसे पहले जो आपने देखा। अब देखिए आगे जो नीचे से हम ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, यह आपको दूसरा मोड़ है जो जहाँ प्रायः दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लोगों की जाने तक चली जाती हैं। यहाँ अत्यधिक सावधानी बरती जाती है। हम ये कह सकते हैं कि जब हम उतरेंगे तो चौथा मोड़ है और नीचे से दूसरा मोड़ था। और आगे देखें आप, कुछ सावधानियां जरूर बरती गई हैं कि जहाँ जहाँ मोड़ है वहाँ पर गति अवरोधक दिए गए हैं। इसके बावजूद भी ये दुर्घटनाएँ रुक नहीं रही हैं। थोड़ी सी सावधानी होती है, दुर्घटना हो ही जाती है। विशेषकर जो सोनभद्र के लोग हैं, अक्सर आते जाते हैं, उन्हें तो पता है कि कहाँ पर किस तरह की स्थिति है। परंतु उन लोगों के साथ प्रायः दुर्घटनाएं हो जाती हैं जो बाहर से आते हैं। अभी हम इधर से बता रहे हैं जो झारखंड या मध्य प्रदेश की तरफ से आते हैं, और वे चौपन डाला, चौपन उसके बाद मारकुंडी। अब आप देखें कि आप पहला मोड़ नीचे से सबसे पहले क्रॉस किए थे, उसके बाद दूसरा मोड़, और अब देखिए आप यहाँ से, यह रहा आपका तीसरा मोड़ नीचे से, और ऊपर से भी यह तीसरा मोड़ होगा, नीचे से और ऊपर दोनों से देख लें यहाँ पर। और दाएँ तरफ पहाड़ी और बाईं तरफ खाई है। थोड़ी सी सावधानी हुई तो काफ़ी नीचे गड्ढे में, खाई में चले जाते हैं लोग और दुर्घटनाएं हो जाया करती हैं। यह देखिए, यह जो रास्ता है नीचे से तीसरा और चौथे के बीच में, या ऊपर से हम कहें कि दूसरे और तीसरे के बीच में, यह थोड़ा सा लंबा रास्ता है। और मोड़ में, इस मोड़ों में सबसे थोड़ा इसकी दूरी कुछ ज़्यादा है, और यहाँ पर भी ध्यान से चलने की जरूरत है। इसलिए कि लोगों को ऐसा लगता है, बाहरी लोगों को लगता है कि वो इसी तरह का आगे भी होगा, पर फिर एक काफ़ी तेज ढलाव आ जाता है। और जो मजे मजाए ड्राइवर है वो गियर में ही गाड़ी चढ़ाते हैं और गियर में ही उतारते भी हैं। कभी कभार को जो नौसिखिए हैं वो तिल बचाने के चक्कर में कि ढलान है तो हम आराम से उतर लेंगे, और ऐसी स्थिति में दुर्घटना। यहाँ पर देखिए, नीचे से जब आप चलेंगे तो चौथा मोड़, यहाँ पर भी दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं। बाहुल्य दुर्घटना बाहुल्य है, और यह ऊपर जब आएंगे तो दूसरा पड़ेगा और नीचे से चौथा। देखें आगे, इसमें भी हमें लगता है कि गतिरोधक रोड पर दिया गया है, वह इसीलिए कि ताकि लोग अपनी गाड़ियों की गति धीमी कर लें। देखें अभी आपने गतिरोधक देखा। इसके बाद हम जब आगे चलेंगे तो चूँकि यह रास्ता केवल उतरने के लिए, हम आपको भले दिखा रहे हैं इसको किस रास्ते से लोग चढ़ते भी हैं, लेकिन इसको केवल घाट उतरने के लिए अब इस्तेमाल किया जाता है, और चढ़ने के लिए दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करता है जो नया बना हुआ है। यहाँ देखें अब आप, यह मोड़ आपका ऊपर जब आएंगे तो पहला मोड़ है और नीचे से पांचवा मोड़। यहाँ आप बाईं तरफ देखिए जो लाइट दिख रही है, मंदिर है, सजावट हुई है यहाँ पर, और सामने देख रहे होंगे प्रकाश गाड़ियों का जा रहा है, तो नया रास्ता है। और यहाँ पर भी दाहिने तरफ हनुमान जी का मंदिर है जो काफ़ी पुराना है, और जरूर पहले जब गाड़ियाँ आती थी तो यहाँ पर जरूर रुका करती थी। अब बाईं तरफ देखें बोर्ड दिख रहा है, यहाँ पर लोरिक की मूर्ति लगी हुई है, और जैसे ही आगे ये पार्क भी है, वीर लोरिक पार्क भी है, जहाँ पर त्योहारों पर काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। आगे देखें ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं दाहिने तरफ, यहाँ पर भी खाई है बाईं तरफ, देख चढ़ते समय और उतरते समय बाईं तरफ खाई है, और देख सकते हैं सामने जो बाईं तरफ ट्रकें आ रही हैं वो नया रास्ता बना हुआ है, वो सब चढ़ने का रास्ता है। और ये द्वार है, वीर लोरिक द्वार, उनके सम्मान में के श्रद्धाम बनाया गया। और दाहिनी तरफ देखें सोनी को पॉइंट है, और यहाँ भी बहुत सी चीज़ें अभी डेवलप करने की ज़रूरत है, और नए लोगों के लिए असुविधा हो जाया करती है, और पुराने लोगों के लिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती।
आपने इसे देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।